आप सोच रहे होंगे कि आज हम लोग कहाँ आए हैं, तो मैं बता दूँ, मैं आई हूँ अपने मायके में और आज मेरे पापा की एक पार्टी, हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है, सरप्राइज। हाँ, मेरे पापा कोई राजा नहीं थे, लेकिन ये बात सच है कि उन्होंने हम चारों बहनों को बिल्कुल राजकुमारी की तरह पाला। हमारी शिक्षा का, हमारे खान पान का उतना ही ध्यान रखा जितना कि लोग बाग अपने बेटों का रखते हैं। हमें उतनी ही आज़ादी थी अपने विचार को घर में रखने की जितनी आमतौर पे लड़कों को भी नहीं होती। इक्वालिटी का सही मतलब मैंने अपने घर से सीखा, क्योंकि हम चार बहनें थी और कभी भी हमने नहीं देखा कि पापा ने मेरे भाई में या फिर हम में किसी तरह का कोई अंतर किया हो। और शायद यही रीज़न है कि आज मैं अपने दोनों बच्चों की परवरिश पूरी तरीके से करने में सफल रही हूँ और मैंने कभी भी इस चीज़ को नहीं देखा कि वो मेरा बेटा है या फिर वो मेरी बेटी है। पापा से मैंने ढेर सारी अच्छी चीज़ें सीखी और वो मेरे काम भी आ रही हैं। आज पापा रिटायर हो रहे हैं, तो ये जो दिन था हमारे लिए काफ़ी इमोशनल था। हालांकि खुशी भी थी, लेकिन देखिए, अपने काम के लिए इंसान बहुत तरह से ज़िम्मेदार होता है, वो चाहता है कि वो डेली उठे और ड्यूटी जाए। लेकिन अब पापा की, क्योंकि ये जिम्मेदारी ख़त्म हो रही थी, पापा घर आ रहे थे, तो हमने डिसाइड किया था कि हम उन्हें एक बहुत खूबसूरत सी फेयरवेल देंगे। और दिखा दो, नहीं मेरे उनसे अच्छा लगता है ना थोड़ा सा। आज भी मैं दो सेलिब्रेशन एक साथ सेलिब्रेट करूंगी। पापा भी घर आ रहे हैं और मेरे जो पापा हैं वो भी अपनी जो ड्यूटी है उसे सक्सेसफुली निभाकर आज रिटायर हो रहे हैं। पापा ने डिसाइड किया था कि वो घर आएंगे ड्यूटी से सीधा, और आने के बाद एक छोटा सा हमने हवन रखा था वो करेंगे, और उसके बाद बस खाना पीना होगा, नाच गाना होगा और बस इतना ही। लेकिन हमने सोचा, हम बच्चों ने ये डिसाइड किया कि हम इस दिन को स्पेशल बनाएंगे ताकि पापा को थोड़ा याद रहे इस दिन का। बच्चों ने उनके लिए किस तरह के छोटे छोटे सरप्राइज़ प्लान किए हैं, क्योंकि सारी उम्र उन्होंने हमारे लिए किया है, तो अब हमारी बारी थी। सो हमने डिसाइड किया कि हम उन्हें फैक्ट्री से ही रिसीव करने जाएंगे। हालांकि सब लोग इकट्ठे नहीं गए थे, साथ नहीं गए थे, क्योंकि कुछ लोग घर रुक गए थे इसलिए, क्योंकि घर पे भी हमें एक वेलकम करना था। हालांकि एक छोटा सा और सरप्राइज़ था, आज पापा की ड्रीम कार आनी थी, लेकिन वो किसी कारण से 10 डेज़ के लिए डिले हो गई है और वो हमें 7 तारीख को रिसीव होगी। तो वो भी हमने सोचा था कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे पापा की जो ड्रीम कार है वो कैसी है और वो उन्होंने कितने में रिसीव करी है, लेकिन किसी रीज़न से वो क्योंकि नहीं आ पाई है, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो हवन है वो हम उस दिन कराएंगे जिस दिन हमारी गाड़ी घर पे। Silhouettes of you are like a taunt. अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि तुम अपने पापा से मिलती हो। बहुत अच्छे से पहचान हो जाती थी मेरी कि मैं पापा की बेटी हूँ, क्योंकि हम दोनों की शक्लें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती थी और शायद कुछ हद तक हमारी भावनाएं भी एक दूसरे से मिलती थी। पापा भी बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और मैं भी हो जाती हूँ, और इस छोटे से फंक्शन में ही मेरे पापा कई बार इमोशनल हुए, क्योंकि वो बहुत काइंड हार्टेड हैं। मैंने कई बार उन्हें किसी दूसरी की लड़कियों की विदाई पर कई बार फूट फूट के रोते हुए देखा। वो एक बहुत ही लॉयल इंसान हैं, बहुत ही सिंपल, और शायद यही रीज़न है कि पड़ोस में उन्हें सब लोग पसंद करते हैं, रिश्तेदारी में सब लोग पसंद करते हैं। बहुत सारी खूबियाँ मैंने उनसे सीखी। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी है कि मेरी माँ ने किताबें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाई हैं कि शायद ही कोई टीचर सिखा सकता। मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश करने में उनके दिए हुए संस्कारों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी।
उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और आज मैं इस वीडियो के थ्रू आउट उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो अपने जीवन में इसी तरह से स्वस्थ और खुश रहे। इंसान की जो उम्र होती है उसके ढलते ढलते ही उसे समझ में आता है कि उसने क्या कमाया, और बड़ी खुशी होती है पापा को देखकर क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ कमाया है। ये वो जगह है जहाँ मेरा पूरा बचपन बीता है। यहाँ मैं खूब खेला करती थी अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ। ये पहले काफ़ी बड़ा हुआ करता था, लेकिन क्योंकि अब दोनों तरफ घर बन गए हैं तो इसलिए ये अब छोटा नज़र आने लगा है। और ये पेड़ मुझे नहीं पता है कितना पुराना है, जब मैं बहुत छोटी थी उससे भी पहले मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बताते हैं कि ये तब का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है और ये यहाँ है हमारे कुल देवता। और बहुत मैं खेलती थी और कई बार तो मैंने यहाँ घंटों बैठ के बात की है, क्योंकि मेरी मम्मी अक्सर बीमार रहा करती थी जब मैं बहुत छोटी थी। हालांकि उनकी तबीयत अभी भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, लेकिन यहाँ मैंने इनसे घंटों बैठ के मिन्नतें की हैं, बातें करी हैं, गुस्सा भी करा है। ये वही जगह है और ये भी एक सरप्राइज़ का ही एक छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि शायद मम्मी पापा के टाइम में उस टाइम पर जयमाला नहीं हुआ करती होगी, तो हमने प्लान किया था कि हम उनकी यहाँ जयमाला भी कराएँ। बचपन में सबकी माएँ उन्हें घर से टिफ़िन देती थी, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मम्मी हमारे लिए गरम गरम टिफ़िन लेके जाती थी 10:30 के अराउंड, और वो एक पायल पहना करती थी जो बहुत तेज बजती थी। और कई बार ऐसा हुआ है कि हमें बहुत दूर से पता चल जाता था कि मम्मी आई हैं, और बहुत खुश होती थी मेरी जो टीचर्स हैं वो भी इस चीज़ को देख कर कि उनकी मम्मी कितना ख्याल रखती है। मम्मी कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उन्होंने हमें एजुकेशन का बहुत अच्छे से मीनिंग समझाया। वो हमें ये हमेशा कहती थी कि ये सिर्फ एक पढ़ाई है जो तुम्हारे एंड तक काम आएगी। उन्होंने हमें हमेशा इसी चीज़ के लिए जोर दिया कि अगर लड़कियों को आगे बढ़ना है तो उन्हें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। पापा ने अपनी सारी ही जो जितनी भी ड्यूटीज़ थी उन्हें बहुत अच्छे से निभाया, चाहे वो उनका काम से रिलेटेड हो यानी फैक्ट्री से रिलेटेड हो या फिर उनकी घर की जिम्मेदारियां हों। मैंने कभी भी उन्हें नहीं देखा इस तरह से कि उन्होंने अपनी कोई भी जिम्मेदारी को अधूरा छोड़ा हो। वो एक केयरिंग हस्बैंड भी थे और केयरिंग पापा भी थे, और इतना ही नहीं वो अजनबी के लिए भी उतने ही केयरिंग थे जितने वो हमारे लिए। इसीलिए हमने आज पूरी कोशिश करी थी कि हम उन्हें बहुत अच्छे से वेलकम दे सकें और उन्हें दिखा सकें कि उनके बच्चे भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। अच्छा पापा बताओ कैसा लगा सरप्राइज हमारा? बहुत भाई है? कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा आपको? इनसे मिलो, ये मेरे पापा, आई लव यू। मैं चाहती थी कि वो इससे ज़्यादा बात करें और मैं आपको और अच्छे से उनसे मिलवा सकूं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, और क्योंकि मैं भी उनके साथ हो जाती हूं तो जैसे ही मैंने उन्हें देखा कि वो इमोशनल हो गए हैं तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाई। और इसी तरह से हमने आज के दिन को सेलिब्रेट किया। उसके बाद घर से जब विदा हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी रोड पर खड़े होकर हम बहुत देर तक बात करते हैं, और कई बार तो इसकी वजह से मुझे डांट भी पड़ जाती है। हमारी उम्र कितनी भी क्यों ना बीत जाए, लेकिन अपने माँ बाप के आगे हम हमेशा छोटे से बच्चे ही रहते हैं। पापा तो अक्सर कई बार कहते हैं कि वो हमें उसी तरह से देखते हैं अभी भी कि जैसे हम बिल्कुल छोटे से ही हैं। तो इसीलिए दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले अपने पेरेंट्स से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनके मन की पूछिए और अपने मन की उन्हें बताइए। बहुत सारी चीज़ों का जो हल है, समाधान है, वो आपको आपके पेरेंट्स से ही मिल जाएगा। तो आज के लिए था इतना ही। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट किसी भी रीज़न से आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।